चारों गुलेरिया की बात सुनते ही अचानक ही गुलेरिया हाउस के हॉल में शांति छा गई। चारों ने जो डिमांड रखी थी वो कुछ सेकंड के लिए किसी की समझ में नहीं आ रही थी, मगर लगभग एक साथ चारों की इस डिमांड को नकारते हुए आकाश और श्रेया ने कहा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। श्रेया जो हमेशा ही बड़ों के साथ बड़े ही आदर और रिस्पेक्ट के साथ बात करती थी, अचानक आज उस श्रेया की आवाज तेज हो गई थी। आकाश ने भी तेज आवाज में अपने माँ बाप की इस बात का विरोध किया। चारू जानती थी कि वो आकाश को कुछ नहीं कह सकती थी, मगर तीखी नजरों से श्रेया की ओर देखते हुए चारू ने कहा, इतनी ऊंची आवाज में अपने सास ससुर से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? यही संस्कार मिले हैं तुम्हें? इससे पहले कि श्रेया कुछ कहनी चाहती, अपनी बात आगे बढ़ाते हुए चारू ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मित्तल परिवार के साथ पली पड़ी हो और जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है वो तुम्हारी सगी माँ नहीं थी, मगर ये जरूरी नहीं कि माँ बाप अगर ठीक से परवरिश न करें तो बच्चे संस्कार भूल जाएं। बड़ों के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए, कितनी ऊंची आवाज में बात करनी चाहिए, ये संस्कार तो बहुत बेसिक होते हैं, तुम्हें किसी ने तमीज भी नहीं सिखाई। श्रेया ने दबी हुई आवाज में अपनी सास की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मैम, आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, मगर आपने जो बात रखी है उस बात को मानना मेरे लिए नामुमकिन है। पिंकी मेरी बेटी है, मैंने लगातार 5 सालों तक उसे दुनिया के हर कोने में ढूंढने की कोशिश की है। सालों बाद मुझे मेरी बच्ची वापस मिली है, मैं उसे अपने से अलग नहीं होने दे सकती। श्रेया की इस बात पर अपनी जगह से खड़े होकर चारों कुछ कदम चलकर श्रेया के पास आई और फिर दबी हुई आवाज में श्रेया से कहने लगी, क्या सचमुच तुम्हें अपनी बेटी से इतना प्यार है या ये सब के सामने ढोंग कर रही हो तुम? श्रेया हैरानी से अपनी सास की ओर देखने लगी। चारों ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर सचमुच अपनी बच्ची से इतना ही प्यार करती तो पैदा करने के बाद उसे इस तरह खो नहीं देती। मानती हूँ कि तुम्हारा बच्चा तुमसे चुराया गया था, मगर सवाल ये उठता है कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे खो सकती है? ये तुम्हारी लापरवाही का नतीजा था जो पिंकी को अपना बचपन इस तरह से एक ऐसी औरत के साथ बिताना पड़ा जो उसकी माँ थी ही नहीं, जो बच्ची पर तरह तरह के जुल्म करती थी, उसे इस कदर से टॉर्चर करती थी कि छोटी सी बच्ची ने अपने आप को दूसरे बच्चों से कमजोर मान लिया था। वो लोगों के साथ ठीक से बोल भी नहीं सकती, अरे उस बच्ची को इतना लाचार कर दिया था कि वो अपने ऊपर हो रहे जुल्म को भी किसी के सामने बता नहीं सकती थी। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरा सीना छलनी हो जाता है, क्योंकि मैं उसकी दादी हूँ, लेकिन तुम माँ होते हुए भी इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? अपनी सास के मुंह से सुना हुआ हर इल्जाम श्रेया के लिए अपने आप को जलाने से कम नहीं था। जो बात सोच सोच कर श्रेया ने नताशा की जान लेने के बारे में प्लानिंग कर ली थी, वो बात आज भी श्रेया को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। कहीं ना कहीं पिंकी के साथ जो कुछ भी हुआ था उन बातों का इल्जाम श्रेया अपने आप को देती थी। पिंकी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें जितना हाथ नताशा का था, श्रेया को लगता था कि शायद उतना ही बड़ा हाथ उसका खुद का भी था। और आज सबके सामने चारू ने श्रेया पर ये इल्जाम लगाकर श्रेया के मन के घाव को फिर से हवा दे दी थी। आज भी रात को श्रेया ठीक से सो नहीं पाती थी। श्रेया को हमेशा ही सपनों में भी ये डर लगा रहता था कि मरी हुई नताशा वापस आकर पिंकी के साथ वही चीजें दोहराने की कोशिश कर रही थी जो उसने लगातार इतने साल पिंकी के साथ किया था। नींद से जागते ही आधी रात को श्रेया दौड़कर पिंकी को कच्ची नींद से जगाकर अपने गले से लगा लेती थी। आकाश भी श्रेया के इस दर्द को अच्छी तरह महसूस कर सकता था। जब चारू ने देखा कि उसकी बात ने श्रेया पर गहरा असर किया था तो वो आगे बढ़कर श्रेया को कुछ कहने जा रही थी, मगर तभी अचानक आकाश ने चारू को रोकते हुए कहा, जब पिंकी के साथ ये सब कुछ हो रहा था तब श्रेया उसके साथ नहीं थी, बल्कि मैं था उसके साथ, और एक बाप होने के नाते ये मेरा फर्ज था कि मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करूं, मगर मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई। पिंकी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी जिम्मेदार श्रेया नहीं बल्कि मैं हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है वो मुझसे कहिए। ना सिर्फ आकाश उनका बेटा था, मगर आकाश परिवार का हेड था। अब चारू अच्छी तरह से जानती थी कि आकाश जो कुछ भी कह रहा था वो सच था।
अगर पिंकी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें श्रेया या आकाश में किसी को दोष देना चाहिए था तो वो आकाश था, क्योंकि जब भी पिंकी के साथ ये सब कुछ हुआ था आकाश पिंकी के साथ मौजूद था। श्रेया को तो उस वक्त पता भी नहीं था कि उसका खोया हुआ बच्चा इस दुनिया में किस कोने में था। मगर पूरी बात पलटते हुए चारू ने आकाश से कहा, तुम इस परिवार के हेड हो, कंपनी भी तुम ही संभालते हो, अब इतना बड़ा बिजनेस संभालते हो, पूरा दिन काम में बिजी रहते हो, तो फिर तुम्हारा ध्यान कैसे हो सकता है इन सब बातों पर? और अगर इस लड़की ने पिंकी को खोया नहीं होता तो ये नौबत आती ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की पिंकी की परवरिश करने के लायक है। इस बात पर आकाश तिलमिला उठा। आकाश ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, तो क्या आपको लगता है कि आप माँ कहलाने के लायक हैं? आकाश की बात पूरे गुलेरिया हाउस में गूंजने लगी थी। अपनी चेयर पर बैठे अनुपम ने अपने सामने रखा चाय का कप दूर से जमीन पर फेंका और अपनी जगह से खड़े होते हुए आकाश को ऊंची आवाज में कहा, ये किस तरह का बर्ताव है अपनी माँ के साथ तुम्हारा? क्या तुम अपनी माँ के साथ बात करने का तरीका भी भूल चुके हो इस लड़की के साथ रहते हुए? मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें ठीक रास्ते पर लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर तुम सारा दिन करण के पीछे दौड़ते रहते थे और आज हमसे इस तरह से बात कर रहे हो? अनुपम को शांत करते हुए चारू ने कहा, इस वक्त इन सब बातों के लिए नहीं आए हैं हम यहाँ। बीती बातों को भूल जाते हैं और जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारी पोती हमारे साथ रहे, जिससे हम उसे एक बेहतर फ्यूचर दे सके, उसे एक अच्छी परवरिश दे सके। क्या हमारा पिंकी के ऊपर कोई हक नहीं? हम उसके दादा दादी हैं। हम अगर पिंकी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो उसमें गलत ही क्या है? आकाश ने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, क्या सचमुच ये वजह है कि आप पिंकी को अपने साथ ले जाना चाहते हो? आकाश का सवाल सुनकर अनुपम और चारू दोनों हैरान रह गए। अनुपम ने आकाश से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो और क्या वजह हो सकती है? हम उसके दादा दादी हैं, उसकी भलाई चाहते हैं, उसे अपने साथ रखना चाहते हैं, बस। आकाश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और हमसे पैसा लेना चाहते हैं, है ना? आकाश ने ये बात बिल्कुल दबी हुई आवाज में कही थी। आकाश ने अपनी नजरें अपने पापा की आंखों में डालकर ये बात नहीं कही थी। आकाश आज भी उस रिश्ते की मर्यादा निभा रहा था जिस रिश्ते का कोई वजूद नहीं था। मगर आकाश ने जो बात कही थी वो अनुपम के दिमाग में एक टाइम बम की तरह फटी थी। अनुपम ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए आकाश से कहा, तुम्हें क्या लगता है हम लोग ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं? अपने पापा की ये बात सुनने के बावजूद आकाश अपना सर झुकाए खड़ा रहा। आकाश ने जो बात नहीं कही थी वो बात अनुपम समझ चुका था। दरवाजे के पास खड़ी अनिका ने जब ये पूरा मामला सुना तो उसे भी इस बात का एहसास हो गया कि अनुपम और चारू नन्ही सी पिंकी को अपने साथ सिर्फ इसीलिए ले जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि देश छोड़ने के बाद करण या आकाश उन्हें पैसों की मदद करेंगे, और इसीलिए उन दोनों ने ये प्लानिंग की थी कि अगर पिंकी उनके साथ रहेगी तो चाहे कुछ भी हो जाए आकाश उन्हें वक्त वक्त पर पैसे भेजता रहेगा। अनिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इस उम्र में भी कोई इस तरह की प्लानिंग कर सकता था। जब करण को इन सारी बातों का एहसास हुआ तो अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप उन्होंने जोर से जमीन पर पटक दिया और अपने दोनों हाथ अपनी व्हील चेयर पर रखकर अपना सर झुकाकर सांस लेने लगे। अनुपम करण के बड़े भाई थे और करण ने आज तक इस बात की मर्यादा रखी थी, मगर आज करण ने जो कुछ भी सुना था उसके बाद उनका जी कर रहा था कि वो बड़े भाई का लिहाज भूल जाएं और उन्हें ऐसी सजा दें कि दोबारा कभी पिंकी का नाम उनके मुंह से ना निकले। कुछ देर बाद अपनी नजरें उठाकर करण ने अनुपम से कहा, भैया क्या आप इतने गिर चुके हो कि पैसों के लिए नन्ही से पिंकी को लेकर इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? आप लोगों को ये भरोसा भी नहीं है कि हम आपको इतने पैसे जरूर देंगे कि आपको जिंदगी में कभी किसी बात की तकलीफ ना हो। आप इस देश से जाएंगे उससे पहले हम आपको इतने पैसे देंगे कि चाहे आप चार हाथों से भी खर्च करें जिंदगी भर आपको कभी पैसों की कमी नहीं होगी। मगर आज आपने जो कुछ भी किया उससे मेरे दिल को बहुत गहरी चोट पहुंची है। बचपन से लेकर आज तक आपके और मेरे रिश्ते कुछ खास नहीं रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं मेरे मन में हमेशा आपकी तस्वीर एक बड़े भाई की हैसियत से रही है।
मगर आज मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि आज के बाद मेरे मन में आपके लिए वो बची कुछ इज्जत भी नहीं रहेगी। अनुपम गुलेरिया अच्छी तरह जानते थे कि उनकी नियत सबके सामने खुल चुकी थी, इसलिए अपना सर झुकाकर वो करण गुलेरिया की ओर देखकर बोले, बात दरअसल ये है कि करण, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि आकाश से रिश्ता टूटने के बाद मैंने और चारू ने एक बेटी गोद ली है। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि हम यहाँ आप लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए जा रहे हैं। मगर हमें उसके फ्यूचर की भी चिंता है, कल उठकर उसकी शादी होगी, हमें उसके भविष्य के लिए पैसों की जरूरत है और इसीलिए। इससे पहले कि अनुपम आगे कुछ कहती, चारू गुलेरिया ने धीरे से अपनी कोहनी उनकी पीठ में मारी। अनुपम को एहसास हुआ कि उन्होंने इमोशन में आकर कुछ ज्यादा खुलासे कर दिए थे। दूर खड़ी अनिका उनकी लाचारी पर हैरान थी। अपनी गोद ली हुई बेटी की परवरिश और फ्यूचर के लिए उन्हें करण के पैसों की जरूरत थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह के माँ बाप थे जो अपने बच्चों की परवरिश दूसरों के पैसों के सहारे करना चाहते थे। तभी चारू ने करण गुलेरिया की ओर देखकर कहा, ऐसी बात नहीं है भैया कि हम पैसों के लिए पिंकी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, हमें सचमुच पिंकी की फिक्र है। हम पिंकी को अपने साथ ले जाकर उसे एक नई जिंदगी देना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह अगर पिंकी यहीं रही तो पिंकी के मन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, जो उसकी आने वाली जिंदगी के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। करण, अनिका, आकाश और श्रेया चारों की बात नहीं समझ पा रहे थे। तभी चारों ने अपने मोबाइल में एक वीडियो ऑन किया और करण के सामने फोन रख दिया। जैसे ही चारों ने टेबल पर फोन रखा, आकाश और श्रेया करण की व्हीलचेयर के पीछे आकर फोन में देखने लगे। अनिका भी धीरे से आकाश और श्रेया के पास आकर खड़ी हो गई। अनिका भी देखना चाहती थी कि आखिर चारू करण को क्या दिखाना चाहती थी। तभी फोन में एक वीडियो फ्लैश होने लगा। वीडियो में ये दिख रहा था कि स्कूल में नन्ही सी पिंकी प्ले रूम में आकर कुछ खिलौनों के साथ खेलने लगी। तभी अचानक पिंकी के साथ खेल रही एक बच्ची ने पिंकी को पीछे धकेलते हुए कहा, तुम मेरे साथ नहीं खेल सकती, मेरी मम्मा ने कहा है कि तुमसे दूर रहना है मुझे, क्योंकि तुम्हारी मम्मा के जो पापा है वो लोगों को मार देते हैं, अगर मैंने तुमसे दोस्ती की तो वो मुझे भी मार देंगे,